Hello everyone, today we will start the second part of the chapter, The Selfish Giant. So in this part we are going to read about to celebrate the return of the children, trees covered themselves with birds and blossoms. जहाँ पे चिल्ड्रंस रिटर्न होते हैं गार्डन में और दोबारा से ट्रीज़ ब्लॉसम होना शुरू हो जाते हैं एंड बर्ड्स स्टार्ट टू सिंगिंग. द जाइंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक, स्पेशली अ लिटिल बॉय होम ही लव्ड डियरली. और वहाँ पे वो फ्रेंड्स भी बनाता है लेकिन उनमें से एक बच्चा होता है जिससे वो ज़्यादा ही क्लोज होता है या बहुत ही ज़्यादा मानता है. द लिटिल बॉय सून डिसअपीयर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर. और छोटा बॉय काफ़ी टाइम तक गार्डन में नहीं आता लेकिन कुछ टाइम बाद वो आता है, ठीक है, दोबारा से अपीयर्ड होता है गार्डन में. सो we start, he saw a most wonderful sight through a little hole in the wall the children had crept in. जब वो अपनी विंडो से बाहर देखता है तो वो बहुत ही ब्यूटिफुल साइट देखता है, वंडरफुल साइट देखता है कि एक छोटे से होल से जो उसने वॉल बनाई थी उसके छोटे से होल से बहुत सारे बच्चे क्रेप्ट इन, मतलब बहुत सारे बच्चे अंदर आना शुरू कर देते हैं. एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और कुछ वहाँ पे ब्रांचेस जो होती हैं ट्रीज़ के वहाँ पे बैठे हुए हैं. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड, और हर एक ट्री के ऊपर या आसपास एक ना एक बच्चा वहाँ पे खड़ा हुआ मिलता है. एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम्स. और जो ट्रीज हैं वो इतने खुश हैं उन बच्चों को देख के कि वो क्या है, कवर्ड देमसेल्फ्स विद ब्लॉसम्स, वो खिलना शुरू कर देते हैं, ठीक है. वो अपने जो स्नो कवर्ड थी या फ्रॉस्ट थी वो सब उनके पेड़ों से झड़ जाते हैं. एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड. तो ऐसा लगता है जैसे कि जो ट्रीज़ है वो अपने ब्रांचेस, मतलब यहाँ पे ब्रांचेस को हैंड्स के तौर पे देखा गया है, वो बच्चों के ऊपर से उसको सहला रहे हैं. द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग. बर्ड्स बहुत ही ऊँची फ्लाइंग कर रहे हैं और साथ ही साथ ट्विटरिंग विद डिलाइट, मतलब चर्पिंग कर रहे हैं, सॉन्ग गा रहे हैं. फ्लावर्स जो हैं वो ग्रीन ग्रास से ऊपर उठ चुके हैं और खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं. इट वॉज अ लवली सीन. तो जब जाइंट इस सीन को देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है. ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन गार्डन के एक कॉर्नर में अभी भी क्या था, विंटर चल रहा था. इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. वो बहुत ही ज़्यादा दूर था गार्डन के, ठीक है, वो जो कॉर्नर था वो बहुत ही ज़्यादा अलग था और वहाँ पर देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर खड़ा हो रखा था. He was so small that he could not reach up to the branches of the trees and he was wandering all round it crying bitterly. क्योंकि वो बहुत ही हाइट में छोटा था तो वो ऊपर पहुँच नहीं पा रहा था, ठीक है. वो अपने हाथ ऊपर करता तो था लेकिन उसे ब्रांचेस पकड़ में नहीं आती थी जिसकी वजह से उसने रोना स्टार्ट कर दिया. द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रोस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट. और उस पेड़ के आसपास जो नॉर्थ विंड है, फ्रॉस्ट है, वो सारी चीज़ें मतलब वहीं पर रुकी हुई थी. Climb up, little boy said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. ठीक है, जो ट्री था उसने क्या बोला, क्लाइंब अप, चढ़ जाओ, ठीक है. और उसने अपने ब्रांचेस नीचे किए लेकिन बच्चा इतना छोटा था कि वो अभी भी चढ़ नहीं पाया. एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर. और जाइंट ने, उसका जो हार्ट था वो उसके जो हरकतें थी छोटे बच्चे की उस हरकत से मेल्ट हो गया और वो सोचने लगा कि मैं कितना सेल्फिश हूँ, इसी वजह से स्प्रिंग मेरे गार्डन में नहीं आ रहा था. आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल. ठीक है, मैं इस छोटे बच्चे को पेड़ पे चढ़ाऊँगा और फिर अपने चारों तरफ की दीवार को हटा दूँगा. And my garden shall be the children's playground forever and ever. और इसकी वजह से जो मेरा गार्डन है वो बच्चों के लिए खुल जाएगा.
और यहाँ पे बच्चे हमेशा आते रहेंगे। ही वॉज़ रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, और अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था जो उसने बच्चों के साथ किया। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली एंड वेंट आउट इन टू द गार्डन, और इसीलिए वो डाउन अपने घर के सीढ़ियों से नीचे गया और उसने अपनी दरवाज़ा एकदम बहुत क्वाइटली, मतलब शांति, कोई आहट ना हो, ऐसे खोला एंड वेंट आउट इन द गार्डन, और गार्डन की तरफ चला गया। बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटन दैट दे ऑल रैन अवे एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और बच्चे इतना डर गए उसको देख के अचानक कि सब बाहर की तरफ भागने लगे और दोबारा से उस जगह पे क्या आ गया, विंटर। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग, ठीक है, लेकिन जो छोटा बच्चा था वो वहाँ से नहीं भागा क्योंकि उसके आँखें इतनी भरी हुई थी कि उसे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आंखें किस चीज़ से भरी हुई थी, दैट इज़ रोने से, ठीक है, जो आंसू थे उससे भरी हुई थी। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और जायंट ने उसे पीछे से उठाया और उसे चुपचाप आराम से ट्री के ऊपर बिठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जायंट्स नेक एंड किस्ड हिम, और जैसे ही बच्चा उस ब्रांच पे बैठा, उस ट्री पे बैठा, तो वहाँ से जो भी नॉर्थ विंड थी, फ्रॉस्ट थे, हेल थी, वो सारी चीज़ें वहाँ से हट गई और वहाँ पर स्प्रिंग आ गया, ट्री ब्लॉसम होना शुरू हो गया, बर्ड्स वहाँ पे बैठ के गाने लगे। तो बच्चा इतना खुश हो गया क्योंकि उसके मन की हो गई थी, उसने अपने हाथों को स्ट्रेच किया और जाइंट की तरफ बढ़ाया और उसे किस करा। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जाइंट वाज नॉट फिक्ड एनी लॉन्गर केम रनिंग बैक एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और जब बच्चों ने देखा कि जायंट तो उसको भगा नहीं रहा है, उसको डांट नहीं रहा है, उसको खा नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या है, सारे बच्चे दोबारा उसकी तरफ देखने लगे, ठीक है, और दोबारा से वो गार्डन में आ गए कि ये तो छोटे बच्चे की हेल्प कर रहा है जायंट, और सारे बच्चे दोबारा गार्डन में खेलने लगे जिसकी वजह से वहाँ पर स्प्रिंग आ गया। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जायंट एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, और उसने क्या बोला कि ये तुम्हारा गार्डन है, जो जायंट है उसने बच्चों से बोला ये तुम्हारा गार्डन है, तुम इसमें खेलो, और उसने बड़ा सा एक्स लिया, ठीक है, कुल्हाड़ी, और वहाँ पे उसने अपने चारों तरफ जो वॉल्स थी उसको डिस्ट्रॉय कर दी, गिरा दी। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, और जब उसने देखा कि मार्केट, जब लोग मार्केट की तरफ जा रहे थे 12 बजे, ठीक है, तो उसने देखा कि जायंट क्या है, बच्चों के साथ खेल रहा है। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द